नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का आज के दिन की तीन बड़ी खबरों में। सबसे पहली खबर जो सभी की जुबान पर है, कोरोना विस्फोट, क्योंकि लगातार जो कोरोना का कहर बढ़ता हुआ उससे अब चिंताएं, तमाम सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ गई है। पिछले 24 घंटों में केवल अगर हम बिहार की बात करें तो 488 मामले, लेकिन झारखंड में हालात और भी ज्यादा खराब है, जहां पर 690 मामले सामने आए पिछले 24 घंटों में। इसीलिए लगातार हाई लेवल की बैठकों का दौर जारी है। दूसरी खबर आज के दिन की, मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। आज के दिन सीएम सोरेन ने उच्च अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की और पूरा इस पर मंथन किया कि कैसे मधुपुर के उपचुनाव में झंडा अपना फहराया जाए और वहां पर जीत प्राप्त की जाए और डंका बजे तो जेएमएम गठबंधन का, लेकिन बीजेपी भी वहां पर मुस्तैद पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तीसरी खबर आज के दिन की, शराब, मौत और सियासत। पिछले 72 घंटों में 14 लोगों की मौत से पूरा बिहार इस समय सदमे में है कि क्या ये वही बिहार है जहां पर नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल सन 2016 को शराबबंदी जैसा कानून लाया था। सवाल तमाम विपक्ष खड़े कर रहा है, वीआईपी न्यूज भी खड़े कर रहा है और आम जनता भी मौजूदा सरकार से पूछ रही है। इन तीन खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। देश में एक बार फिर से पांव पसार रहा कोरोना। बिहार में पिछले 24 घंटों में मिले 488 नए मरीज, वहीं झारखंड में बीते दिन मिले 690 कोरोना के मरीज। रांची में सीएम आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक, महागठबंधन के शीर्ष नेता रहे मौजूद, मधुपुर उपचुनाव पर हुई चर्चा। बिहार में पिछले 72 घंटों में जहरीली शराब पीने से 14 की मौत, विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर खड़े कर रहा सवाल, अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की मांग। पलामू में तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर अतिक्रमण, पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बीजेपी पिछड़ी जाति के लोगों को दबाने का कर रही काम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की पहली खबर के साथ। बिहार में एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसार रहा है। राज्य बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 488 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 174 कोरोना के संक्रमित मिले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है 1907। वहीं झारखंड में भी कोरोना वायरस उफान पर है। बीते दिन 690 नए मामले सामने आए, जबकि राजधानी रांची में अकेले 369 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई। एक बार फिर कोरोना का कहर, इसीलिए अब लगातार कड़ाइयां और पाबंदियां भी आप देख रहे होंगे उन राज्यों में जहां पर हालात खराब हैं। तो चलिए सीधे चलेंगे पटना, जहां पर मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे, जो पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे हालात हैं मौजूदा समय में बिहार में कोरोना को लेकर। शशांक, ताजा तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 488 नए मामले, 2000 के करीब एक्टिव केसों का पहुंचना, तो ऐसे में क्या इस पर भी मंथन अब जारी है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? शशांक, देखिए बिल्कुल, जब एक साल पहले कोरोना आया था उसके बाद लगभग ये कहा जाए 6-7 महीने का समय हो गया है जब सबसे ज़्यादा आंकड़े आज हैं, क्योंकि 1907 आंकड़े कल तक की रिपोर्ट है, आज ये आंकड़े बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं शाम तक आधिकारिक रिपोर्ट आएगी, तो कहीं कहीं 2000 के करीब जो एक्टिव मामले हैं ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार में ये आंकड़े जाके 100 के करीब सिमट गए थे, तो ये निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और तमाम वो चीज़ें जो बिहार सरकार ने पहले से गाइडलाइन फिक्स की थी, तमाम वो कोविड-19 के गाइडलाइंस और तमाम बिहार सरकार के जो प्रयास हैं वो सब पर सरकार एक मंथन कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि ये जो कोरोना का एक तरह से विस्फोट तो नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना के मामले जो तेज़ी से बढ़े हैं वो किन क्षेत्रों में बढ़े हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसके कैरियर हैं, वाहक हैं, और क्या कॉज है इसका, यानी बढ़ने का जो एकदम से कारण हुआ है वो क्या है। तो आमतौर पर सरकार ने ये पाया है कि जो लोग बाहर से आए हैं कहीं ना कहीं कोरोना उनके साथ आया है, और चूंकि सामूहिक रूप से आए हैं, होली के समय आए हैं,
तो ऐसे में इन लोगों पर नज़र रखी जा रही है, उन लोगों की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से कराई जा रही है। कल की बात की जाए तो करीब 60,000 बिहार में टेस्टिंग की थी गई। देखिए जितनी ज़्यादा टेस्टिंग की जाएगी उतने ज़्यादा मामले सामने आएंगे, क्योंकि आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो कोरोना के पेशेंट होते हुए, कोरोना के लक्षण होते हुए भी लोग कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे और कोरोना के मामले और बढ़ेंगे, मल्टीपल होंगे। तो बिहार सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा जाँच करने की बात कही है। बिहार सरकार ने दो दिन पहले की बात मैं कर दूँ तो करीब 70,000 करीब उन्होंने टेस्टिंग की थी। तो बिहार सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पे ध्यान दे रही है। उसके अलावा जो किन किन इलाकों में ये चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में और किन किन जगहों से आए हुए लोगों में कोरोना का संक्रमण है और वो किस लेवल का है, तो इन तमाम चीज़ों की जाँच की जा रही है। और जो पूरा इलाका है जहाँ पर ये क्षेत्र मरीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है या फिर उनको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। तो इन तमाम कवायदें चल रही हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता ये है कि बाहर से आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, गांव जो पहुँच भी चुके हैं उनकी जाँच की जाए। अगर उनमें से कोई कोरोना का पॉजिटिव पाए जाते हैं, केसेस पाए जाते हैं, तो फिर उनके संपर्क में जो लोग आए हैं या ज़्यादा संपर्क में रहे हैं उनकी भी जाँच कराई जाएगी, और अगर वो लोग पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाएगा। दूसरा जो राज्य सरकार का फोकस है अगर इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर ध्यान दे रही है। राज्य सरकार का कहना है कि अगर एक सर्टेन एज ग्रुप का जो केंद्र सरकार द्वारा अभी तक मंजूरी दी गई है 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन अब देने का सरकार ने घोषणा कर दी है, कल से इसकी शुरुआत भी बिहार में हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जाँच हो जिससे डिटेक्शन प्रॉपर हो और सरकार सही नियम उठा पाए। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी अब पूरी तरह से हरकत में है। हालांकि केसेज उस तरह से नहीं बढ़े हैं, लेकिन चूंकि सेकेंड वेव आई है कोरोना की और सेकेंड वेव में केसेज बढ़ते जा रहे हैं, यानी जो केसेज बढ़ने की दर है वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शशांक 12 गुना तेजी से कोरोना बढ़ रहा है इस बार। पिछले 30 दिनों की अगर आंकड़ों को हम उठाकर देखें तो रांची से शुभम फोन लाइन पर। शुभम, अधिक हालात देखिए बिहार से भी खराब दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में 690 मामले का आना पिछले 24 घंटों में यह दर्शाता है कि कहीं बड़ी चूक और लापरवाही हो गई है। शुभम, बिल्कुल सागर, देखिए जिस तरीका से कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है सभी राज्यों से, कह सकते हैं झारखंड का आंकड़ा सकते हैं उछाल पर है, और जिस तरीका से झारखंड में जो बढ़ते आंकड़े मिले हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन चुके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह सकते हैं कि समीक्षा कर रहे हैं और लगातार वार्तालाप हो रही है बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के और स्वास्थ्य सचिव से, और कह सकते हैं व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने में कह सकते हैं तमाम सरकार मंत्री हेमंत सोरेन लग चुके हैं। लेकिन सागर एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, जिस तरीका से झारखंड में जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं उसका सिर्फ और सिर्फ खामियाजा है कि झारखंड की जनता में इतनी लापरवाही है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बढ़ते आंकड़ों के साथ। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें सागर, तो जिस तरीका से एक ही कह सकते हैं एक ही स्कूल में 28 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये मुंडू की मैं बात बता रहा हूँ, जिस तरीका से झारखंड के विभिन्न जिलों में लापरवाही का जो आलम है उसी के कारण झारखंड की जो बढ़ती कोरोना की दरें हैं वो लगातार चिंता का विषय बन चुकी है और इसको लेकर अब राज्य सरकार कोई ठोस निर्णय भी उठा सकती है। जी चलिए ठीक है शुभम, लौट कर आऊंगा। शशांक, जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं शुभम कि ये जो हालात खराब हुए हैं रांची में, ऐसे हालात देखिए बिहार में भी अगर खराब हो जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झारखंड यहाँ पर कम जनसंख्या बिहार की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वहां पर हालात अगर इतने बुरे हो गए तो वहां से कोरोना बिहार में भी आने में वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए कड़ाई बहुत जरूरी है। शशांक, देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि जो कड़ाई की हम बात करते हैं तो पिछले साल जिस तरह से कड़ाई की गई, लॉकडाउन किया गया, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, कंटेनमेंट जोन बनाए गए, बाजारें महीनों बंद रहीं, सड़कें महीनों सूनी रहीं, तो सरकारों के पास यानी आम लोग और सरकार अब इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो ज़्यादा कड़ाई करें, इसलिए इस बार एडवाइजरी ज़्यादा जारी हो रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि ये कितना खतरनाक है, आपने एक साल देखा है। लेकिन जहाँ तक कड़ाई की बात है तो देखिए सड़कों पर अभी भी लोग उसी तरह निकल रहे हैं, बाजारों में वैसी भीड़ है, मास्क सही का भी शुभम ने कि लोग इतने बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं कि मास्क वहीं लगाते हैं जहां उनको लगता है कि बिना मास्क नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन भीड़ भाड़ वालों इलाकों में मास्क नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही ना की जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कोई मतलब ही नहीं बचा है। तमाम तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं और लोग उसमें जम के भर के जा रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, तमाम तरह की जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, जो खुद में लोगों को समझना चाहिए, वो लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है।
हैं। तो सरकारों ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं, लेकिन अगर ये मामला और बढ़ा, देखिए अभी 2000 करीब एक्टिव केसेज हैं, लेकिन पूरे देश में जिस तरह महाराष्ट्र में, पंजाब में, साउथ के कुछ इलाकों में, केरला में जो कोविड की जो सेकेंड स्ट्रेन है जो काफ़ी ज़्यादा घातक है, उसका जो मल्टीप्लेशन है यानी जो बढ़ने का दर है वो पहले के जो स्ट्रेन है उससे कई गुना ज़्यादा, यानी 4 times से ज़्यादा है, यानी वो अब दूसरे को संक्रमित ज़्यादा तेज़ी से करेगा। तो इस बार अगर ये संक्रमण पिछले बार की तरह बढ़ा तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, और सरकार इसको रोकने के लिए सरकार को फिर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाएंगे क्योंकि सरकार और ये अफोर्ड नहीं कर पा रही है, सरकार अभी इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि जनता को फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति में ले जाना पड़े। लेकिन अब तमाम लोगों को इस पर सोचना होगा, क्योंकि अगर चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं तो फिर सरकार कोई कड़ा कदम उठा सकती है। बिल्कुल शुभम, आपको क्या लग रहा है कि जब आप जाते हैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग के लिए तो पहले जो तस्वीरें थी पूरे देश भर के अंदर कोरोना को लेकर, लोग जितने जागरूक थे, लोग डरे हुए दिखाई दे रहे थे, और उस डर के कारण ही लोगों में अब खुद के लिए परवाह थोड़ी दिखाई दे रही थी, क्या इस बार जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, इस दौरान लोग आपको लापरवाह दिखाई दे रहे हैं झारखंड के अंदर, ये भी एक बड़ी वजह है शुभम? पूरी तरीका से समाप्त हो गया, लोगों के मानसिकता में ये बात पूरी तरीका से बैठ गया है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के लोगों की मानसिकता में ये बात एकदम कह सकते हैं बैठ चुका है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीका से कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन देखने को मिला और झारखंड में जो बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं वो तो चिंता का विषय जरूर है। लोगों की लापरवाही की बात कही आपने, बिल्कुल जिस तरीका से होली के दिन, मैं बता दूं होली के दिन भी लोगों की लापरवाही बखूबी देखने को मिली थी, और के बाद से जो आंकड़े में उछाल आया है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें जिस तरीका से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, झारखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो वहां पर भी अगर मार्केट की बात कर ले, सब्जी बाजारों की बात कर ले, कहीं भी कोरोना के गाइडलाइनों का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई भी दुकान में गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सागर, वो दौर याद होगा जब कोरोना ने शुरुआती लक्षण दिखाने शुरू किए थे तो सभी के घर में सैनिटाइजर और मास्क हुआ करता था, लेकिन आज जो मौजूदा स्थिति है कि अब किसी व्यक्ति के पास भी मास्क जैसी और सैनिटाइजर जैसी चीजें उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, और राज्य सरकार इस पर लगातार पहल भी कर रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं फिर से एक बार बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं और जो कोरोना की जो उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया शुभम, शुक्रिया शशांक आपका पूरी जानकारी के लिए। लोगों को जागरूक ही लगातार वीआईपी न्यूज कर रहा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन, दूसरी लहर, ये और खतरनाक ना हो जाए, इसलिए आप सतर्क आप रहिए, सावधान आप रहिए। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं उपचुनाव पर भी, क्योंकि अब मधुपुर का उपचुनाव मानो ऐसा लगता है कि सियासी अखाड़ा बन चुका है। मुख्यमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक की गई जिसमें महागठबंधन के शीर्ष नेता वहां पर शामिल हुए। बैठक में मधुपुर उपचुनाव पर विशेष चर्चा की गई, जीत को सुनिश्चित करने को लेकर अहम फैसले भी लिए गए हैं। उपचुनाव पर चर्चा सीएम आवास पर, यह बैठक इसीलिए कि कहीं मधुपुर की सीट हाथ से ना निकल जाए, कहीं बीजेपी के खाते में ना चली जाए, क्योंकि अब यह लड़ाई है तो प्रतिष्ठा की, बीजेपी और जेएमएम गठबंधन। अभिनव कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, सर्वदलीय बैठक आज के दिन, पूरी कोशिश है जेएमएम गठबंधन की कि कैसे मधुपुर का उपचुनाव हम ही जीतें और ये सीट हमारे हाथ से ना चली जाए, क्योंकि बीजेपी भी पूरी कोशिश में लगी है और इसलिए 50-50 का गेम कहा जा रहा है और ये प्रतिष्ठा की भी बात अब बन चुकी है। अभिनव, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रतिष्ठा की बात बनी हुई है और मधुपुर सीट पे कह सकते हैं कि हॉट सीट बनी हुई है दोनों पक्षों के लिए, चाहे हम पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, सभी ने कह सकते हैं कि तैयारियां जोरों पर कर दी है, चाहे हम विपक्ष की बात कर ले या पक्ष की बात कर ले। शुरुआत में हम पक्ष की बात करते हैं, चूंकि आज देखेंगे कि महागठबंधन जो घटक दल है, आज एक बैठक बुलाई गई थी हेमंत सोरेन के आवास पर, ये बैठक बुलाई गई थी और कह सकते हैं कि ये जो बैठक है ये अहम माना इसलिए जा रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जहां पर कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले या लेफ्ट पार्टियों की बात कर ले। जी मनोज पांडे जेएमएम के प्रवक्ता फोन लाइन पर। मनोज जी,
क्या ये प्रतिष्ठा की बात हो गई है, इसीलिए लगातार ये हाई लेवल बैठक और ये मंथन किया जा रहा है कि कैसे मधुपुर उपचुनाव में जीता जाए? देखिए, जब गठबंधन है, महागठबंधन जो भी उसके घटक दल है, सभी लोगों, सभी के आला नेताओं के साथ बैठकर समन्वय बिठाना, एक जो महागठबंधन धर्म है, सभी को साथ लेकर चलने में हम विश्वास करते हैं। हम माननीय हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और सभी दलों ने एक सुर से अपनी पूरी क्षमता और राजनीतिक ताकत लगाने की बात कही है और मुझे लगता है कि तालमेल अच्छा रहे, समन्वय अच्छा रहे तो परिणाम भी अच्छे आएंगे, बेहतर आएंगे जी। लेकिन ऐसा क्या लग रहा है मनोज जी कि जनता आपकी पार्टी की तरफ अधिक जाएगी, आप लोगों पर विश्वास अधिक करेगी, ऐसा आप क्या अलग कर रहे हैं चुनावी मैदान में मनोज जी? देखिए, ऐसा क्या किया था इस सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन जी ने, कि दुमका में लोग हमारे साथ आए, बेरमो में लोग हमारे साथ आए, जो आम चुनाव हुए थे उसमें लोग हमारे साथ आए, तो वही चीज यहाँ भी दोहराई जाएगी। जो एक योग्य नेतृत्व, युवा नेतृत्व राज्य में सत्ता सिंह है और सभी लोग, और वहां सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोगों को विधायक चुनने का मौका नहीं, एक मंत्री चुनने का मौका मिलता है। कोई भी क्षेत्र की जनता चाहती है कि हम विकास करें और विकास तभी हो पाएगा जब सत्ता में भागीदारी हो वहां के विधायक की, और यहाँ ऑलरेडी वो मंत्री हैं सरकार में, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे उम्मीदवार कर पाएंगे, हमारी सरकार कर पाएगी। ये 5 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार है तो क्षेत्र की जनता अब सजग है, वो जानती है कि क्षेत्र का विकास किसके साथ जाने से होगा, तो ये स्पष्ट रूप से है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है मतदाताओं। ठीक है, अभिनव भी लाइन पर जुड़ गए। अभिनव, इस वक्त मनोज पांडे जी हैं फोन लाइन पर, जेएमएम के हफिजुल हसन क्या वहां पर दबदबा इस समय अधिक बना सके हैं बीजेपी की अपेक्षा, मौजूदा समीकरण क्या कहता है अभिनव? देखिए, अगर हफिजुल की बात करें तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहले ही बिना विधायकी के उनको मंत्री बना दिया गया, तो सवाल तो वहीं पर खड़े हो रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सागर, वो बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मधुपुर सीट की, तो एक हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कार्ड खेलकर कह सकते हैं कि जो है बिना विधायकी के वहां पर मंत्री बना दिया गया था, तो सवाल भी खड़े हो रहे थे। हालांकि उनका विशेषाधिकार है तो वो बना सकते हैं, लेकिन अगर हम पकड़ की बात करें तो पकड़ जिस तरीके से वो घूम रहे हैं वहां पर, हालांकि अगर हम वहां की समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोटर की वहां पर संख्या है, आदिवासी वोटर की संख्या है वहां पर, कह सकते हैं कि और भी कई जो है वहां पर उनका दबदबा देखने को है, लेकिन अगर जिस तरीके से अगर वहां पर बात करें मधुपुर उपचुनाव को लेकर, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से हफीजुल अंसारी घूम रहे हैं, हालांकि उनको समर्थन भी मिल रहा है वहां पर और वो कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोटर मेरे साथ इंटैक्ट है, तो वो मुस्लिम जो क्षेत्र है वहां पर वो घूम नहीं रहे हैं, वो हिंदू के जो क्षेत्र हैं वो मंदिर जा रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि होलिका दहन का जो कार्यक्रम था वहां पर भी शामिल हुए, तो हिंदुओं को वहां पर वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि उनको पता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो मेरे साथ है, कहीं ना कहीं हम जो है मुस्लिम वोटर उनको वोट करेगा, लेकिन हिंदू वोटरों को लेकर वो कहीं ना कहीं चिंताजनक दिख रहे हैं, और शायद यही वजह है कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि होलिका दहन के कार्यक्रम हो या मंदिर जाने की बात हो, ये सब सारी चीजें कह रहे हैं, और शायद यही वजह है कि हिंदुओं वोटर को किस तरीके से वहां पर आकर्षित किया जाए और उसको लेकर वो घूम रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से हिंदू वोटर को साथ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी वहां पर बिल्कुल तैयार दिख रही है, लेकिन अगर एक बात करें तो गंगा नारायण सिंह वहां पर उम्मीदवार है, लेकिन राज परिवार का टिकट काटा गया है, तो वो कहीं ना कहीं दुखित है, और अगर आप देखेंगे कि जब नामांकन का प्रक्रिया हो रहा था गंगा नारायण सिंह का, उस समय वो मौजूद नहीं थे, इससे साफ संकेत है कि राज परिवार जो है वो दुखित है, और शायद यही वजह है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा कि मौजूदा समय में ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला बन गया मधुपुर का उपचुनाव और दोनों पार्टियां एड़ी से चोटी तक पूरा जोर लगाने में लगी हैं? देखिए, चुनाव है, चुनाव लड़ना है, लोकतंत्र में ताकत तो पूरा लगाएगी कोई भी पार्टी को, क्योंकि हमारा महागठबंधन, सभी जो घटक दल है सभी लोग साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन यहाँ जीत का मार्जिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगा, इसलिए कि जो भी भाजपा ने एक उम्मीदवार को आयातित किया, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं किया उनको, तो
भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से भी और हमारे पार्टी ऑफिस में भी कई एक लोगों ने संपर्क किए और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता हमारा दामन थाम रहे हैं। रोज मिलन समारोह हो रहा है, कई एक लोग युवाओं खास करके युवाओं में एक अलग उत्साह है और लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं टिकट भले ही एक बोरो प्लेयर को लाकर भाजपा ने दे दिया मगर कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जुड़ पाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। अभिनव आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम आवास पर ये सर्वदलीय बैठक, रांची की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अब आप वो तस्वीर भी देखिए जो इस वक्त सुर्खियों में है और बिहार में सरकार अब कटघरे में अब खड़ी है, यानी कि शराब, मौत और सियासत। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर विपक्ष ने नीतीश कुमार की सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, जहां आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार के बड़े पदाधिकारी और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर डाली और कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि नवादा, रोहतास, बेगूसराय में लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं लेकिन सरकार इस मामले की लीपापोती करने में लगी है। राज्य में पिछले 72 घंटे में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की जानें चली गई हैं, कुछ लोग और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद प्रशासन के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि जहरीली शराब से लोगों की जानें गई हैं, जबकि परिजन बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। प्रशासन कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को बचा रही है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं का साम्राज्य राज्य में कायम है। माननीय मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात करते थे, कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात है। जहरीली शराब कैसे बिहार में उपलब्ध हो रहा है, उसे लोगों की मौत हो रही है और जहरीली शराब पीने से या शराब पीने से मौत होती है, ये उनके परिजन बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी बताएं कि उनके अधिकारी को पहले ही कैसे पता चल जाता है कि जहरीली शराब से नहीं मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया नहीं है, तो क्या अधिकारी लीपापोती करना चाहते हैं या अधिकारियों के पास विशेष ज्ञान है? ऐसे कौन कौन से अधिकारी नीतीश कुमार जी के पास है? माननीय मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात करते थे, कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात है। जहरीली अनु प्रकाश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनु, 14 लोगों की मौतें पिछले 72 घंटों में, लेकिन फिर भी सरकार उतनी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। अनु, देखिए सागर, जिस पर 2016 में शराब बंद पूर्ण शराब बंदी हुई थी, उसके बाद जो है बिहार में जो है शराब जो है वो बंदी की तरह नहीं दिखा, वो कहीं ना कहीं सभी जगह जो है बिहार में आपको आसानी से शराब मिलता है और इसकी वजह से जो है जो गरीब मजदूर हो चाहे जो भी लोग हैं जो मर रहे हैं, मरने वाले आज के डेट में जो है वो हमेशा दिन पर दिन जो है शराब पीने से जो है वो उनकी मौत हो रही है। तो इसको लेकर जो है तमाम जो नेता लोग हैं, चाहे विपक्ष के सारे नेता जो हैं, वो सरकार को जो है इसको आईना दिखाने का जो है वो काम कर रही है। इसी को लेकर आज जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जो राजेश राठौर जी है, उन्होंने सरकार को घेरते हुए बोला है और कहा है कि जो भी है इसकी जाँच जो है उच्च स्तरीय होना चाहिए और जाँच निष्पक्षता जी। चलिए, लेकिन अनु, जो लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, हम भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर भी सरकार इस पर जागने के लिए तैयार नहीं है। क्या इतनी मुस्तैदी शुरुआत से दिखानी चाहिए थी जब से शराबबंदी हुई, तब आज के दिन ये हालात नहीं होते? नहीं, देखिए सरकार तो अपनी तरफ से जो कार्य करनी चाहिए शराब बिहार में शराब बंदी को लेकर वो अपनी जगह पे कर रही है, बट जो शराब माफिया जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से शराब जो है वो बॉर्डर पे पास कराकर और जो बिहार में ला रहे हैं और जो बिहार बाहर से जितनी भी शराबें आ रही हैं, लेकिन बिहार में भी जो है वो कहीं ना कहीं शराब का जो अवैध धंधा है वो पूर्ण रूप से चालू है और शराब जो माफिया जो लोग हैं वो शराब को अपने डोर टू डोर जो है होम डिलीवरी करते हैं और बिहार में सभी जगह जो है शराब आपको आसानी से मिल जाएगा जी। चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जहरीली शराब से मौत का सिलसिला लगातार जारी है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ,
मानव श्रृंखला बनाई गई थी नीतीश कुमार के जरिए कि शराबबंदी एक ऐसा क्रांतिकारी कानून हम लेकर आएंगे, बिहार की जनता खुश हो जाएगी। लेकिन माननीय को ये नहीं पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि लोग कोसेंगे इस कानून को, और इस समय मौजूदा परिस्थितियां वैसी ही आन पड़ी हैं। तो चलिए जल्दी से जिन लोगों ने आज के दिन अपना टीवी सेट देर से ऑन किया हो, जान लेते तीन की तीन बड़ी खबरें आज के दिन की कौन सी हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है, सरकार मुस्तैद दिखाई दे रही है क्योंकि दूसरा स्ट्रेन बहुत खतरनाक है। जो लापरवाही लोग इस समय दिखा रहे हैं, लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए वीआईपी न्यूज भी लगातार आपको सचेत कर रहा है और जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी खबर आज के दिन की, मधुपुर उपचुनाव पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है पार्टी। आज के दिन सीएम सोरेन ने भी सर्वदलीय बैठक की अपने आवास पर और पूरा रोडमैप इस पर तैयार किया कि कैसे जीत प्राप्त की जाएगी मधुपुर के चुनाव में। तीसरी खबर, शराब, मौत और सियासत, पिछले 72 घंटों में 14 मौतें, लेकिन फिर भी सरकार अगर गंभीर नहीं होगी तो फिर आने वाले समय में सरकार की और फजीहत होगी, क्योंकि लगातार हम भी चेताने का काम कर रहे हैं कि माननीय अब जागिए, शराबबंदी जैसे कड़े क्रांतिकारी कानून आपने बनाए तो, आपने उठाए तो बड़ा कदम, लेकिन इस पर अमल कराने की कोशिश भी करिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।